आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो फैक्ट ये है कि दुनिया में जितने भी बिलीनियर्स और मिलियनर्स हैं उनमें से 85 फाइव परसेंट मिलियनर्स या बिलियनर्स फर्स्ट जनरेशन वाले हैं इट मीनस ये कि उन्होंने खुद ने कोई खुद की मेहनत से या कहें कि उन्होंने खुद ने कोई वो इनहेरिटेंस से उनको नहीं मिला है मतलब किसी उनके बाप दादाओं के खानदान से कोई अमीर है उस वजह से अमीर नहीं है वो बिलीनियर ऐसे पंद्रह परसेंट बीस परसेंट लोग मैक्स टू मैक्स पंद्रह बीस परसेंट ही ऐसे हैं दुनिया में मिलियनर बिलियर जो कि इनहेरिटेंस है एटी फाइव परसेंट जो है वो फर्स्ट जनरेशन से यानी कि ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो खुद से जो है मतलब बने हैं मिलीनियर बने बिलियनर बने, बने आपके सामने एग्ज़ाम्पल भी है आपके सामने एग्जाम्पल है गूगल का फाउंडर का एग्ज़ाम्पल है आपके पास आपके पास फेसबुक के फाउंडर का एग्ज़ाम्पल है आपके पास हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है और ऐसे एग्ज़ाम्पल कम मिलेंगे आपको कि जो बिल्कुल उनके ख़ानदान से ही मतलब इनहेरिटेंस से वो उनके दादाजी भी बहुत अमीर थे फिर वो अमीर है फिर वो अमीर है ऐसे एग्ज़ाम्पल कम मिलेंगे अब ये जो 85 परसेंट जो लोग हैं जो मिलियनर और बिलियनर बने हैं इनकी एक खास आदत होती है या ऐसा फाइंड आउट किया गया कि ऐसी आदत है उनमें और वो आदत है रीडिंग बुक्स वो बुक रीडिंग की उन्हें आदत होती है ऐसा सुना है मैंने कि वारन बफेट जो है वो लगभग छः सात बुक किताबें पढ़ लेता है और ऐसा भी सुनने में आया है जो माइक्रोसॉफ्ट का जो आ, आ, जो फाउंडर है वो भी लगभग वो भी एक अच्छा रीडर है और भी वो लोगों के बारे में सुनने को मिलता है अब मैं भी अब मैं यानी कन्फर्म नहीं कर सकता है कि वो फिक्शन ही पढ़ते हैं कि नॉन फिक्शन पढ़ते हैं लेकिन हाँ जहाँ तक सुनने में आता है कि वो लोग जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बुक को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो लर्निंग इज अर्निंग ये बात तय है कि अब आप भी बहुत सारे लोग मिलियनर बिलियनर बनना ही चाहते होंगे ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम एक सक्सेसफुल टीचर तो बनना चाहते होंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा लर्निंग हैबिट्स को हम बढ़ाएँ हमारी रीडिंग को हम बढ़ाएँ जितनी रीडिंग हमारी ज़्यादा होगी जितना नॉलेज हमारे पास होगा वही हम दे पाएंगे पहले मैंने कहा है कि यदि हमारे पास कुछ होगा तभी तो हम किसी को दे पाएंगे एक धनवान व्यक्ति ही किसी को जो है दान दे सकता है भिखारी किसी को भी क्या देगा जिसके पास होगा वही देगा जिसके पास होगा वही दान दे सकता है आपके पास धन है तो धन दान करेंगे ज्ञान है तो ज्ञान दान करेंगे हमारे पास ज्ञान ही हो सकता है तो हमें ज्ञान को अर्जित करना ही चाहिए उसके लिए हमारे रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए रीडिंग हैबिट्स होगी आपकी आपको धीरे धीरे वो अर्निंग में भी तब्दील होती हुई नजर आएगी उसमें टाइम लगेगा